नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज। रामपुर में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ द्वारा दूसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रहा तथा जनपद रामपुर के सभी विद्युत संविदा कर्मचारी पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर रहे। पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक कार्य का पूर्ण बहिष्कार रखा जाएगा। जो न्याय दिलाएगा, जी सर, क्या नाम है आपका? रामनाथ मलवड़िया नाम है, पश्चिमांचल उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ। जी, आज आपका धरने का कौन सा दिन है? आज हमारा धरने का ये दूसरा दिन है। हालांकि इससे पहले जो हमारा धरना लगा हुआ है वो इको गार्डन लखनऊ में लगा हुआ है, जिसका 76वां दिन है। परंतु अब प्रदेशीय आह्वान पर हमारा 18 नवम्बर से सामूहिक अवकाश हो गया है, जिसको जो है हमने किया था ऐसे साहब के यहाँ रामपुर में। आज जो है कार्तिक पूर्णिमा एक पर्व है और सार्वजनिक अवकाश है, जिस वजह से हम वहाँ आज नहीं बैठ पाए हैं। लेकिन आज हमने यहाँ अपने कार्यालय पर, जो हमारे संगठन के कार्यालय, यहाँ बैठकर हमने रणनीति बनाई है। कल से पुनः हम वहीं बैठेंगे अधीक्षण बिंदा कार्यालय के समक्ष, और ये हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी, चाहे कितने इसमें समय लग जाए। हम लोग पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार हैं। पूरे जनपद रामपुर के विद्युत संविदा कर्मचारी पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर आ गए। जो न्याय दिलाएगा, जो न्याय दिलाएगा, जो न्याय दिलाएगा, मजदूर मजदूर।